ये है अमरावती, आंध्रा की राजधानी अमरावती। इस नाम का इस प्रांत के चरित्र में बहुत बड़ा स्थान है। आज से 200 वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के राजा सतावाहन ने इस जगह को राजधानी घोषित कर इस पर राज किया। कला और मूर्तियों के लिए ये प्रांत बहुत मशहूर है और इस प्रांत ने हर चीज में बेमिसाल तरक्की की है। इस समय राजधानी को डेवलप करने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। यहाँ खोदने से निकलने वाली मूर्तियों की विदेश में बहुत डिमांड है। साहब, हाउ आर यू? अमरावती की खुदाई में एक विचित्र पुतला प्राप्त हुआ है हमें। अमरावती की जमीन से तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। शॉप में भेज दीजिए, उस पर मैं 2-3 लाख का टैग लगा के बेच दूंगा। ये शॉप पे बेचने वाली चीज नहीं है भाई, नंबर 2 स्पेशल आइटम है ये। स्टैचू कहाँ पर है? मेरे पास है। हेलो हरीश भाई। हाय जेम्स, एक रेयर एडोल मिला है। अगर तुम 3 करोड़ एडवांस दोगे तो ये स्टैचू तुम्हारा। बैलेंस पेमेंट बाद में देख लेंगे। 3 करोड़, व्हाट्स द स्पेशल? एक बार व्हाट्सएप देख लो। वाओ, एक्सीलेंट। भाई आप तो बहुत स्मार्ट हो, 3 करोड़ ट्रांसफर। आज से मूर्ति तुम्हारी हुई। ब्यूटीफुल। भाई मूर्ति को पुणे सेफ्टी से कौन लेके जाएगा? इस काम के लिए एक आदमी है। गिरी, मामूली सुई से सुरंग बनाऊंगा और साइकिल की ट्यूब से समुद्र पार कर जाऊंगा। हे जोकर, जो काम बोले वो करना। मैं नहीं करूंगा। हे, ये तो बोल बच्चा है रे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, असली काम तो वो करता है। यस। ये तो बच्चा है, कच्चा लगता है। क्या रे, बच्चा दिख रहा हूँ तुझे, भिंडी समझ रखा है। ये तो लौंगी मिर्ची है, आधी भी अगर अंदर गई ना बहुत तकलीफ देगी। ए, ये सब्जी तरकारी का धंधा बंद कर, हैदराबाद मूर्ति पहुँचाना इतना आसान नहीं है।
चप्पे चप्पे पर पुलिस की नाकाबंदी है, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। क्या गिरी, बताया नहीं ने? ए, 300 चेक पोस्ट हो या 3000, पुलिस हो या पूरी आर्मी, भूकंप आए या आसमान फट जाए, रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावट हो, मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम उनके रडार में भी नहीं आएंगे, रॉकेट हो जाएंगे। रॉकेट का भी बुरा वक्त आ सकता है। तेरी तो चुप रहो, मैं तेरा टैलेंट अच्छी तरह जानता हूँ। ये पार्सल है, कितनी भी तकलीफ हो 12 घंटे के अंदर पूना पहुंच जाना चाहिए। अगर 5 मिनट पहले पहुंच गया, एनी प्रॉब्लम? ओह, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। पार्सल लोड करो। ओके सर। हाय मामू लोग। थांबा, ए साइड लगे। अरे बाबा गाड़ी में क्या है, चल दरवाजा खोल। अंदर बहुत सीरियस पेशेंट है, मर जाएगा, चेक करना पड़ेगा। अरे बाबा क्या कहा, पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसके चेस्ट पे जोर जोर से मारो, उसे मुंह से मुंह सांस दो, केस मत करो, सांस दो। ए बाबा इधर आ। क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? अरे चेक करना है। अरे हो रहे हैं, एम्बुलेंस भी, एम्बुलेंस भी चेक करेंगे आप। अरे शोर मत करो, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। माय पेशेंट, एम्बुलेंस चेक कराला, कितनी मोटी क्राइम है माई दिए। अरे करना पड़ता है ना बाबा, आई थिंक आज मुझे पेशेंट है। तू मोबाइल ले और वीडियो निकाल, हर एक चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, हर पेपर में तेरी बुरी शक्ल आएगी। भाई एक्शन। मेरा नाम रवि है, मैं इस एम्बुलेंस का गरीब ड्राइवर हूँ। एक बार एम्बुलेंस का नंबर ले, एक बार मेरा क्लोजअप। ओके भाई और बहनों, गौर से देखिए इस पुलिस वाले को, यही है वो जो रास्ते में एम्बुलेंस और उसकी चेकिंग करता। मेरा नाम पाटिल है और मैं एक कांस्टेबल हूँ, मेरा इस बात से कोई भी संबंध नहीं, साहब ने बोला इसलिए मैंने रोका। हट हट, आप लोग रुको बाबा, जाओ ना आप लोग, जाओ। नहीं नहीं, हम नहीं रुकेंगे। अरे अरे ये तो अभी नया भर्ती हुआ है, आप लोग जाओ जाओ। अरे मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, जाइए जाइए, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जाओ 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 जाओ। अरे मेरे को लगा कुछ पैसा घंटा कमाई होगी। अरे हाँ, अरे जाके मोबाइल से वीडियो डिलीट करो। जाओ साहब, साहब साहब जो भी रिकॉर्डिंग किया ना उसको डिलीट कर दो। ये लो फोन रख लो। सर वो तो शरीफ लोग है, वो तो फोन जल्दी जल्दी डिलीट कर। सर ये तो डमी फोन है सर। भाई ये तो पीछे आ रहे हैं। ये डमी फोन देकर इस सिस्टम को बेवकूफ बना रहा है। ए आईफोन है यार। अरे सर सर सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा फोन मुझे दे दो। थैंक यू सर, ये तो आपका फोन था सर। ए भाई, अरे मेरा आईफोन भाई। नो इट्स माय फोन। सर आपका फोन आ रहा है। हेलो मैडम, सर तो निकल लिए। अबे ये क्या बोल रहा है तू? अरे ऊपर नहीं गए, वो अपनी दूसरी बीवी से मिलने हॉस्पिटल गए। हाँ हॉस्पिटल। मैं तुझे छोड़ूंगा ना, मैं तुझे बहुत मारूंगा। तुम सर एक सेल्फी हो जाए। अरे बाप रे, ये तो मेरे घर में आग लगा रहा है। तू जल्दी कर जल्दी। अरे चला ना रे, तेज चला जरा। देखते लोगे सर, ये क्या कर दिया तूने? अरे भाई पैसे मंगा लेने चले थे, लगता है हम लोग गलत रास्ते पर आ गए। भाई गलत नहीं, यही सही रास्ता है। मेन रोड पे मामू लोग रहते हैं, यहाँ पर एक कुत्ता भी नहीं मिले। जस्ट वेट, मैं अपने बाबा से पूछ लेता हूँ। जय हो बाबा की। बाबा जी, बाबा जी हमारी रक्षा करो, हमें सही रास्ता दिखाओ, हमें भटकाना मत बाबा जी। ध्यान से टायर पंचर ना हो जाए, सही पेट से चलाना चाहिए बाबा जी। क्या कर रहे हो? अरे बाबा जी, बाबा जी कौन है तेरा बाबा, दिखा जरा। बाप रे, ये तो स्वामी नित्यानंद। ये तेरा भगवान है? ए, स्वामी जी के बारे में गलत बातें करना, मैं उनका परम भक्त हूँ। जय स्वामी नित्यानंद, वो मेरे खानदानी बाबा हैं। साले रोड से मारूंगा, निकल गाड़ी से निकल। अरे देखो भाई, ये खटारा गाड़ी मेरे अकेले से तो बनेगी नहीं, चार आदमी और चाहिए होंगे। हाँ ये खंबा हो गया, ये पटियाला, ये लार्जर, ये 30 ml। आ जाओ जाओ बैठ जाओ। जब भी हम गम में होते हैं ना तो ये हमारी हिम्मत बढ़ाता है। ये लो चेस भाई, जिंदगी में अच्छा काम पहली बार किया। अगला पैक लगाओ। शाने इसको फिनिश करके निकलेंगे भाई। कितनी भी दारू पी लूं मैं होश नहीं खोता हूं भाई। हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ भाई, एकदम फिट हूँ। देखो एकदम फिट हूँ मैं, मेरे को होश है, बिल्कुल नहीं भर गया हूँ मैं।
गिरी सुनना, इतने बड़े जंगल में मुझे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, एक कंपनी तो दे। That's not right. सुनना बेवड़े। It's not right. Okay. सो गया, अब क्या करूं? तुझे तो मैं कल देखूंगा। हेलो, मुझे जंगल में कंपनी देने के लिए कोई है क्या? काउंटिंग स्टार्ट। एक कोई आ रहा है क्या? तो कोई तो आ जाओ। अरे कोई नहीं आ रहा है। ये क्या है? हिलना नहीं। क्या मूर्ति है भगवान, हैट्स ऑफ। ये तो एकदम ऑर्डर करके बनाया गया है, लेकिन क्या फायदा, इतनी खूबसूरत चीज को मूर्ति बना दिया। इसमें थोड़ी सी भी जान डालता तो मैं अपने दिल में रखता। ये आंखें देखो, इन्हें देखकर मैं पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। और ये होंठ, होंठ नहीं गुलाब की पंखड़ियां हैं। वाह वाह रवि, तू तो शायर बन गया। शाबाश शाबाश, तू सीक्रेट है यार। ये कमर नहीं चांद का टुकड़ा है, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ। हाय कितना नाजुक है। बाप रे, मैं तो पागल हो रहा हूँ। ए भगवान, ऐसी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में आई ना तो मैं तेरी चरणों में धूल भी नहीं लगने दूंगा। सुन रहे ना, धूल भी नहीं लगने दूंगा। ब्यूटी इसकी अदा वसे कर देगी लूटी। कॉल कर दिए, फोन ही नहीं उठा रहे वो लोग। ए फोन, ए रवि तू कहाँ है भाई? पुलिस से बचते हुए जंगल में घुस गया और टायर पंचर हो गया। ओ पार्सल तो सेफ है ना भाई? आपने पार्सल रवि को दिया है, मेरी जान भी चली गई तो पार्सल को कुछ नहीं होगा। ओके ओके, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। भाई भाई, ओ भाई पार्सल गायब है। ए, क्या बात कर रहा है? अरे आप खुद चल के देखो, गायब है। गिरी तू तो देख, मैं यहाँ देखता। हाँ रात में तो यही था। भाई भाई कहीं नहीं दिख रहा है। भाई पक्का हमारा कोई पीछा कर रहा था, देखो ना मौका मिलते ही ले गया।
भाई अब क्या करें? पहले बॉक्स उठा के गाड़ी में डालो। अरे संभल भाई, भाई। अंधी है क्या? गाड़ी दिखाई नहीं दी तुझे? ऐसा कॉस्ट्यूम पहन के जंगल में क्या कर रही हो देवी जी? ये तो बात ही नहीं करती है। लगता है ये भी अपने जैसे रास्ता भटक गई है। आखिर जाना कहाँ है देवी जी? हाईवे पर जाना है। अबला नारी को कैसे छोड़ सकते हैं? चप्पल से मारूंगा पहले ही, मैं बहुत टेंशन में हूँ। एक अबला नारी को जंगल में छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। क्या बोलते हो? चल ठीक है बेटा उसे। आजा 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 इधर आजा आजा आजा। देवी जी हाईवे आ गया है, कृपया कीजिए। तुम्हें जाना कहाँ है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम पुणे जा रहे हैं। तो मुझे भी वहीं जाना है। गिरी, हाँ, चल इसे उतार। हाँ ठीक है, उतारिए। पुणे आ गया है देवी जी। अब उतरो। नहीं उतरूंगी। सिस्टर नाम क्या है आपका? नक्षत्रा। कहाँ रहती हो? अमरावती। अमरावती से तो आ रहे हैं हम लोग। पुणे में कहाँ रहती हो? कोई जानता है तुम्हें? हाँ। कौन है वो? आप लोग। भाई ये तो बहुत चालू लग रही है, गले पड़ रही है। चप्पल पहना होता तो तुझे वही नहीं मारता जहाँ से लिफ्ट दिया था। जस्ट वेट, सुनो सिस्टर, हम पहले से ही बहुत टेंशन में। निकलो। ए, प्यार से क्या बात कर रहा है? ओए, उतरो। तुम्हारे पास जाने के पैसे हैं? गिरी, इसे पैसे दे और भाग। मोदी जी छापे अभी। यहाँ से ऐसी एक मूर्ति लेके पैक करके डिलीवरी कर देंगे। भाई वाह गुरु, क्या दिमाग लगाया। हम नकली स्टैचू पैक करके उनको दे देंगे। इनका स्टैचू देंगे? हाँ ना भाई। अरे ये हरीश भाई फोन कर करके जान खा रहे हैं। भाई इधर लाओ, मैं डील करता हूँ। लाओ जा। बात कर, बात कर। कहाँ हो तुम लोग? टेंशन हो रही है। सर अच्छे काम में थोड़ी देर तो हो ही जाती है, धीरज रखिए आप। ऐसे समय में आपको सॉफ्ट, निर्मल, कोमल, स्वच्छ रहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो बाबा जी ने अपने प्रवचन में कहा था। कौन बाबा? स्वामी नित्यानंद जी। स्वामी नित्यानंद। ओके ओके। आपने काम किसको दिया है? रवि एंड कंपनी को। हम देख लेंगे, आप धीरज रखिए। ओके 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 ओके। भाई कैच पकड़ो। भाई डॉक्टर YSR जनता के माने हुए नेता, व्हाइट एंड व्हाइट रॉयल दिखते, इनको दे दे क्या? ए, हमें लड़की की मूर्ति चाहिए यार। ओहो ये परफेक्ट है। करेक्ट है, पैक करो। अरे मार डालेगा क्या? मेरा इंश्योरेंस भी नहीं है। तो यहाँ क्या जा, किधर जा रहा है? अरे नमस्ते फायर शास्त्री जी। मूर्ति आ गई क्या? अभी तक नहीं आई। कैसे आएगी, कैसे आएगी रे? पूरब की दिशा से आने वाली हवा को विशाल पेड़ की तरह रोक के रखा है, मूर्ति कैसे आएगी? आजू हटो पापी लोग। तू कौन है बे? ईशान कौन में भैंसे की तरह खड़ा है? ये पेट बाहर क्यों है? पेट बाहर क्यों है? चिकन भरा है कि मटन भरा है? जा जा कोने में खड़ा होके मर। जा जल्दी, रुक जा, ये उठा कर ले जा। जल्दी जा, जल्दी जल्दी चल। जा रे सिर पे उठा के रख, अग्नि कोण में भारी वजन नहीं रहेगा तो मूर्ति अंदर कैसे आएगी? गठरी नीचे भी रखेगा तो भी वजन उतना ही रहेगा। नीचे डालकर सो जा, बढ़िया नींद आएगी। तेरी जात का, रख रख। ए, ये फायर शास्त्री से पंगा मत ले, फायर में जल के मर जाएगा। चुपचाप ऐसे ही खड़े रहना। भाई, भाई मूर्ति आ गई। शास्त्री जी आपकी बातों में इतनी फायर है, मुझे पता ही नहीं था स्टैचू आ गया। तो मुझे लल्लू समझ रहा था क्या? आपके नाम की पूजा करवानी थी ना? सिद्धि विनायक। तो फिर प्रसाद कहाँ है? हाँ, कटोरे में मिला था, मालूम नहीं था आपको चाहिए होगा, इसलिए भिखारी को दिया। भिखारी? वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस। थैंक यू थैंक यू। वाओ रवि, पैकिंग जरा भी खराब नहीं हुई क्या? सफाई से लेकर आए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस बस वही 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 रख दो, इधर घुमाओ। भाई ये पत्थर पे पहाड़ कैसा? ये लो गुरुजी। ओम विघ्नेश्वराय नमः।
ये तो पैकिंग खोलने वाले हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अगर हमारी पोल खुल गई तो राम नाम सत्य कर डालेंगे हम लोगों का। ये ले लीजिए। ये लो जी। क्या सर, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ओ शिट सर, राहु काल का आरंभ हो गया। क्यों रे, राहु काल है। शास्त्री जी, ओपन करूँ क्या? राहु काल में कुछ भी करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे? राहु काल है। जैसे गर्मी में कंबल नहीं ओढ़ते और सर्दी में एसी नहीं चालू करते, वैसे ही राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करते। मेरे तो क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा। पर फिर शुभ मुहूर्त कब है? मैं अच्छा दिन अच्छा मुहूर्त देखकर बताऊंगा, तब तक तुम इसे खोलना ही मत। कॉस्टली मैटर में रिस्क नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, पेमेंट जल्दी दे दो, संकोच मत करो। आपसे नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ। चेक चेक आ रहा है। ये लो 1,00,000 रुपए का चेक, इमीडिएटली डिपॉजिट करो। थैंक यू। स्टैचू सेल होने के बाद ना ये मूर्ति बिकेगी ना ये चेक कैश होगा, क्या करेंगे इसका? अरे लक्ष्मी क्यों फाड़ दिया? लगता है देवी जी की नथनी गिर गई। इतनी गौर से चेक करा, इसका मतलब सोना है। एक बियर का पैसा तो आ ही जाएगा। ए रुक 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 रुक, हाय बेबी, मे आई हेल्प यू? कितने सारे जेवर पहनी थी भाई। हा? वो लड़की बेचारी अकेली है भाई, मुझे मेरी बहन जैसी लगी वो। वैसे भी शहर का माहौल अच्छा नहीं है, निर्भया कांड याद है ना, अगर उसे कोई कुछ कर दिया तो हम क्या करें? उसकी नथनी बेच के हम लोग मजा कर रहे हैं, कुछ तो सेंटिमेंट होना चाहिए ना। क्या बकवास कर रहा है यार, ब्लडी इडियट फेलो। छे, छे, मुझे उससे कोई सेंटिमेंट नहीं है। ए चलो उतरो। खूबसूरत जगह है ये, सिटी लाइट्स, ये बिल्डिंग हाइट्स, इन सबसे ज्यादा तुम खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बदन, आप भी अच्छे लग रहे हो। हाथ पे टैटू, कान में रिंग, कर्ली हेयर। तुझे पता है हम तुझे यहाँ पर किस लिए लेकर आए हैं? क्यों लाए हो? तुझे रेप करने के लिए। अच्छा, लेकिन यहाँ तो ऐसा माहौल नहीं लग रहा। माहौल क्या, यहाँ यात्रा का यात्रा चल रहा है क्या? ए, हमको देख के तुझे डर नहीं लगता? नहीं तो। अच्छा, तुझे डर नहीं लगता? हम रेप करेंगे तो तुझे डरना चाहिए, चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। मैं इसे इतना डरा रहा हूँ फिर भी ये डर ही नहीं रही है। भाई ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की कोई अंडरकवर पुलिस वाली हो। नई गवर्नमेंट आने के बाद पुलिस बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। मैं पहले से ही इसको लेके परेशान हूँ और तू पुलिस का नाम लेके मुझे परेशान कर रहा है। तू पुलिस वाली है क्या? नहीं तो। फिर कौन है? मेरा नाम है नक्षत्रा और गांव अमरावती। ओहो, आंध्रा की राजधानी। मैं स्वर्गलोक के गंधर्वा राजा की पुत्री हूँ, मेरी राजधानी आकाश है। आपके मधुर संगीत ने स्वरासुर वरदपति इंद्र की सभा में अमृत वर्षा कर दिया। अति सुंदर जी महाराज। चित्रसेना, आप सब लोग कुशल मंगल में तो है ना? स्वर्ग में सब सुख शांति से हैं, हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हर स्थान पे आनंद ही आनंद है।
नक्षत्र, गंधर्व राजपुत्री नक्षत्र, तुम्हारी ध्यान कहाँ है पुत्री? संदेह है महर्षि। कैसा संदेह है? सुना है धरती पर मनुष्य का जीवन अद्भुत और सुंदर होता है, क्या ये सत्य है? अक्षर सत्य है। अब वो भूलोक नहीं रहा पुत्री, भूतल स्वर्ग है। भूलोक में अब इंसान पूर्व के समान नहीं रहे। आईफोन, आईमैक्स, ट्विटर, फेसबुक बिजली से भी तीव्र गति दौड़ रहे हैं। चैटिंग हो, मीटिंग हो, डेटिंग हो, स्मार्टफोन के माध्यम से सारा विश्व को अपने हथेली में लेकर घूम रहा है मनुष्य। स्वर्ग, नाग, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष लोग सारे मनुष्य को कॉमेडी फिल्में हो गए हैं। यहाँ पीने के लिए केवल अमृत ही है, पर उन्हें भूलोक में बियर, विस्की, वोडका, ब्रीजर, इस तरह कई तरह के मदिराओं से वो अपने जीवन में रंग रलियां मना रहे हैं। इसके अलावा अब शॉट्स भी हैं। मतलब? टकीला। मतलब? वो हमारे पास नहीं है, बोलने से भी तुम समझ नहीं पाओगी। यहाँ आनंद के लिए रंभा, उर्वशी, मेनका, लाखों युगों से वही पुराने सुर थे, लेकिन वहाँ भूलोक में दीपिका, कतरीना, प्रियंका, इलियाना, ओह ऐसे कई खूबसूरत लड़कियाँ और उनकी खूबसूरती की कश्मकश। सारे लोगों को एक करके भूलोक को भूतल स्वर्ग बनाया है मनुष्य। यहाँ किसी को संदेह होता है तो मैं ठीक करता हूँ, और वहाँ गूगल। यहाँ किसी को संदेश देना है तो मुझे ही जाना है, वहाँ व्हाट्सएप। इतना क्यों? तुम तो गंधर्व राजपुत्री हो ना? हाँ। यहाँ तुम्हारे कितने मित्र है बताओ? 5-6 होंगे। अच्छा, वहाँ तो भिखारियों के भी फेसबुक पर 500-600 मित्र होते हैं। वहाँ तो कई लोग नाइट लाइफ की शुरुआत की है। नाइट लाइफ? हाँ। अति उत्तम, इसके बारे में विस्तार से बताइए। पूरा विश्व सोने के बाद वो उठते हैं और तब से शुरू होता है उनकी जश्न। पब हो, क्लब हो, बाइक रेस हो, मिडनाइट बिरयानी हो, मदिरा, नृत्य और संगीत, मुझे बताना नहीं चाहिए। वहाँ भोग ही भोग है, वहाँ भोग ही भोग है। नारायण नारायण। माता पिता को प्रणाम। एक विनती है आपसे। बोलो पुत्री। भूलोक से मुझे प्रेम हो गया है और मेरी इच्छा है कि मैं मानव जीवन जीऊं। यहाँ तुम्हें क्या कष्ट है पुत्री? ठहरो देवी। नक्षत्र, पूरे 14 लोक में धरती लोक अत्यंत नीच और सबसे गंदी जगह है। हाँ पुत्री, वहाँ का मानव छोटी आयु का है और रोग से भी अत्यंत पीड़ित है। इतना ही नहीं, जमीन जायदाद के लिए हत्या करते हैं, नेता लोग कुर्सी के लिए मानव को आपस में लड़ाते हैं। वहाँ पत्थर दिल जालिम भी बहुत हैं। हम लोग स्वर्गवासी हैं, अमर हैं। हमारे शरीर में खून पसीना नहीं आता, सोने जैसा बदन है हमारा। वहाँ कष्ट ही कष्ट है। लेकिन बिना कष्ट के आनंद कैसा पिताश्री? अगर दुख ना हो तो खुशी का कोई मतलब ही नहीं होता। क्या बात कर रही है नक्षत्रा? जी हाँ पिताश्री, दुख और सुख, आनंद और भूख, अगर ये सब हो तो इन सब की वजह से जीवन में उत्सव होता है। इसीलिए मेरी मानव जीवन जीने की इच्छा हो रही है पिताश्री। अगर आप मुझे भूलोक जाने की आज्ञा दे दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी पिताश्री। मैं इनकार कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए, मेरा इरादा बदल नहीं सकता पिताश्री, मेरा इरादा अटल है। तो मैं श्राप देता हूँ, तू मूर्ति बन जा। स्वामी, ये क्या किया आपने? अपनी प्राणों से प्यारी पुत्री को इस तरह श्राप दे दिया? देवी, मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है। हमारी पुत्री बहुत ही भावुक है, इसीलिए उसको मूर्ति बना दिया। अगर उसे किसी से खुशी मिलेगी तो वह पुराने रूप में वापस आ जाएगी, परंतु अगर उसे फिर से दुख मिला तो वह मूर्ति बन जाएगी। ऐसा कब तक चलेगा स्वामी? उसकी इच्छा पूरी होने तक। जब उसकी समझ में आ जाएगा कि मानव जीवन दुर्लभ है तो वह फिर से वापस अपने लोक में आ जाएगी। ए, क्या रे? वो क्या है ना, आजकल समझ में नहीं आता है कौन सच्चा है कौन झूठा है।
हमारे जैसे पापी लोगों को मरने के बाद भगवान 100% गरम तेल में फ्राई करेंगे। उस वक्त अगर वहाँ पर देवी हो तो हम लोग बच जाएंगे। अरे वो पागल लड़की है, वो फिल्म की कहानी बोल रही है और तू यकीन कर रहा है? मैं तो अपनी सेफ्टी सोच रहा हूँ बॉस। सेफ्टी, चल जा सेफ्टी से घर निकल जा। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग पक्का खोलते हुए तेल में चलोगे। मेरे को एड़ा मत बनाना, अरे तेरी भाषा भी अपनी जैसी है। बोले तो अपन को इस दुनिया की सारी भाषा आती है बीड़ू। अब पता मिल तेरी मोड़ के नल्ला तेरी तंबी। तंबिया, ये नड़ा ही दे। ये बचने के लिए झूठ बोल रही है। ये झूठ नहीं भैया, सच है। तू एंजल है तो मैं शैतान हो। अब देखते हैं कौन सा भगवान आके तुझे हमसे बचाता है। अकेली लड़की दिखी तो बाप का माल समझ लिया है ना? ये कौन है तू? अगर पार्टनरशिप चाहिए तो 5 मिनट के बाद आ, चल। पार्टनरशिप करेगा? ये कोई प्रॉपर्टी है जो आपस में बांट लेंगे हम लोग? फिर तेरा क्या काम है, चल। भाई लगता है चोरी का माल खा खा के बहुत चर्बी चढ़ गई इन लोगों को। इनकी धुलाई करो, सारी चर्बी निकाल दो। ए शाने, क्या निकालेगा तू? वाह वाह वाह, चर्बी निकली ना इसकी अब। ए आ जा रे। अबे मुझे क्यों दांत मारा? चेन्नई का तो यहाँ क्या कर रहा है? ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी तो मार खाने का टाइम नहीं है इसके पास। ट्रेन पकड़ेगा, ट्रेन टाइम हो गया ना। अरे देखो वो स्विमिंग कर रहा है। अरे और मोटे रेप करेगा। रेप करने आया है, कल तक का समय देता हूँ, रेप करके दिखा। पेट के नीचे दिखाई देता है? नहीं नहीं दिखता। पापा रेप करे आल रहनी पापा। ना ना पापा, रेप करे खातिर ना, रेप देखे खातिर आल रानी पापा। रेप देखने के लिए आया है, फैमिली की परमिशन लेके आया है। सिस्टर अगर हमारे आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तुम्हारी इज्जत का राम नाम सत्य हो जाता। अरे इतनी जल्दी डर गई तुम? मैं हूँ ना। बस कर, निकलते हैं। देखो सिस्टर ये है हमारा महल, यहाँ के राजा भी हमें और प्रजा भी हमें। कैसा लगा आपको ये पैलेस? वाओ, अति उत्तम। वो क्या है? बुद्धा की स्टैचू है। हम नहीं लगाया। और वो? बिरला मंदिर। हम नहीं बनवाया। पहले दाहिना पैर रखो, शुभ होता है। ये तुम्हारा बेडरूम है। इस बिस्तर पे आराम से सो जाओ, गहरी नींद आएगी। सो जाओ। हाँ ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ए चलना बाबा। हे भगवान, तू जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, मुझे तो मेरी चीज मिल गई। ये भगवान मेरी मदद करो।
हे भगवान, अब खुल जाना चाहिए। सोना, अरे रात में इतने सारे गहने पहन के सोई थी, सुबह एक भी नहीं है, सारे गहने कहाँ चले गए? अरे इतने सारे गहने पहन के सोई, सुबह एक भी नहीं है। अरे भाई भाई भाई, एक भी गहना नहीं है उसके शरीर में। मैं निकाल, तो मुझे दिखाओ, एक बार देख के वापस कर दूंगा। No. गुरु, तुम मेरे साथ हो या खिलाफ हो, समझ में नहीं आ रहा है। घुमा घुमा के ये मूंछ भी निकाल दोगे क्या? अरे वो एक बार दिखा दो ना। पूरी रात देखा ना बाबा, इतने दिन से हमारी दोस्ती है, अभी तक आपने मुझे पहचाना नहीं। देखो मैं अभी यहाँ से छलांग लगाता हूँ। अरे माँ की आँख, ये तो बहुत ऊंचा है, मर जाऊंगा मैं। मर गया तो सब मेरा हो जाएगा। तुम्हारा ही है, जरूर कोई प्लान चल रहा है दिमाग में। गिरी, ये लड़की बहुत पहुंची हुई चीज लगती है। ये अपने घर से झगड़ा करके निकली होगी। हाँ। एक ना एक दिन इसके घर वाले इसे ढूंढते हुए आएंगे, हम इसे उनके हवाले कर देंगे, वो हमें बहुत सारे पैसे देंगे। हम अमीर हो जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। कितनी गहराई से सोचते हो भाई, भविष्य में नित्यानंद बाबा को भी पीछे छोड़ दोगे? May your soul rest in peace, peace, my son. हैं? चिकन पीस क्या? आत्मा की शांति के लिए इंग्लिश में आशीर्वाद दिया। गुरु, ऐसा आशीर्वाद तो मरने वालों को देते हैं, मैं तो जिंदा हूँ। क्या लग रही है बॉस, ऊपर का मेरा नीचे का तुम्हारा? गुरु, इसके कपड़ों में तो 10,000 घुस गए, महंगे रेस्टोरेंट गए तो बर्तन मांजने पड़ेंगे। अरे पागल, ये अमीर लड़की है। हाँ। उसका ट्रीटमेंट जितना अच्छा होगा, पेमेंट उतनी अच्छी मिलेगी। ऐसा है क्या? फिर गुरु, हाँ? पेमेंट आने के बाद, हाँ? इससे अच्छा होटल खरीद लेंगे और उसमें एक अच्छा पब भी खोलेंगे, लेडीज पब। मुझे भूख लग रही है। हे, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। भाई, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मैं चिल्ला रहा हूँ क्या? खामोशी से काम बजाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। You're well behaved, बाबा। मुझे भूख लग रही है, 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 मुझे भूख लग रही है। गिरी, मुझे नहीं लगता कि एडिसन ने जब एरोप्लेन भी इन्वेंट किया था तो इतना खुश हुआ। एडिसन ने डिस्कवर की हुई कार है। चल चल चल, कुछ भी बोलता है। मुझे भूख लग रही है भाई। हा? ये तो भूखड़ की तरह खा रही, लगता है अकाल में पैदा हुई थी। इसकी तो इज्जत नहीं, लेकिन हमारी तो है। चलो यहाँ से, ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी कि चलो यहाँ से। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ बैठो, ये मेन्यू कार्ड लो और जो चाहिए ऑर्डर करो। क्या बोलेगी, सबका छीन के खा गई। मुझे सब चाहिए। कितना खाएगी? पहली बार मुझे भूख लगी। पहली बार भूख लगी है क्या? भूख बहुत अच्छी है। हाँ, भूख अच्छी है। वो कोई चॉकलेट या बिस्किट है क्या जो अच्छी है? अरे चुड़ैल के जैसे खा रही है ये तो। अरे होटल में कुछ बचा है क्या? बिल सर। सौंप सौंप सौंप। अरे ठहरो ठहरो, पाप आ गया, चलो अंदर जाएंगे। चलो दिलदार, चलो चंद के पास, चलो हम हैं तैयार, चलो यहाँ बैठते भाई। अरे वो खूबसूरत बला कहाँ रह गई? उसे देखो, गले तक खाकर डांस कर रही है। कहाँ? अरे हाँ देखो ना, ये तो नाच रही है। हाँ नाचो नाचो, खाना हजम होने तक। भाई कितने सालों बाद मिला है चोर मेरा बेटा। कौन है ये? है ना भाई, सोने के साथ मिलाकर पियो तो स्वर्ग जैसी लगती है। 18 साल की बाली उमरिया।
ये क्या है? दारू। दारू? हाँ, पिएगी क्या? पिएगी क्या? पिएगी क्या? भाई फिक्र मत करो, सूंघकर ही गिर जाएगी। क्या हुआ भाई? बेवड़ी, बेवड़ी गंगी पूरी पी गई। अरे ये कौन है रे, जो बर्तन धोने का पानी पी गया? बर्तन धोने का पानी पिया? चीख तेरी माँ। बहुत अच्छी है। हाँ तेरी तो अच्छी, हमारी तो भूख लग गई ना। रवि भाई रुको। क्या हुआ? क्या हुआ? आई लव यू पूरी। ए इतनी से तो चढ़ गई। रुको। डिंग 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 डिंगो। मैडम तुम्हारे पापा का नाम क्या है? गंधर्व राजा। क्या गंधर्व राज बाबा? अरे ये तो राजा की फैमिली से है, मतलब पैसों का सबूत बड़ी मछली तुम्हारे लिए, छोटा झींगा मेरे लिए। अरे चल पता करते हैं। चल चल चल। रानी जी आपके पिताजी कहाँ हैं? ऊपर। ओ शिट, मे हिज रेस्टिंग सोल बी इन पीसेस। और तुम्हारी मम्मी? वो भी ऊपर है। ओ माय गॉड, भगवान उनकी आत्मा को अच्छे से शांति दे। जायदाद में क्या क्या है? हीरे, मोती, सोना, चांदी सब ऊपर है। ऊपर है? अरे भाई ये तो लावारिस है, आज से तू कंगाल, मैं भिखारी, ये गरीब, नसीब ही खराब है। गिरी। भाई कैसे हैं आप? कुर्ता पजामा जैकेट में जच रहे हैं एकदम। मूर्ति कहाँ है? वो देखो मूर्ति खड़ी है ना। भाई ये कॉमेडी कर रहा है। हाँ भाई। अरे लड़की की मूर्ति कहाँ है? क्या भाई आप भूल गए, लपेट के दिया था ना उस दिन। शाने वो डुप्लीकेट था। What is this? It's duplicate. Duplicate. I want the original. I'll give you 1 week time. Else I will kill you. चले यारा समझ रखा है, चोर बाजार से मूर्ति लाके मुझे थमा दी। चोर बाजार का स्टिकर था? निकालना भूल गया। कहाँ रही ये लड़की? वो लड़की? वो तो हमारे टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं ये चेक करने आई। क्या भाई हाई स्पीड में एकदम टेबल पंखे की तरह गर्दन घुमा रहे हो? पर अच्छा कर रहे हैं। ये कैसा है? ये भी ठीक है। गर्लफ्रेंड है? नहीं 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 नहीं, मेरी तो सिस्टर है, उसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब रवि की गर्लफ्रेंड है, मेरी तो छोटी बहन जैसी है। मूर्ति बेच कर गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम वो मूर्ति कहाँ है, मैं जानती हूँ। मालूम है तो बोलो 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 बोलो। वो मूर्ति मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वो। कैसे दिख रहा है ये? टेंशन में कॉमेडी टैग की जरूरत है क्या? इसका दिमाग खराब है, आपका भी खराब है। एक्चुअली इस कॉमेडी ट्रैक में मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं है। सच में मैं ही हूँ वो मूर्ति। अरे पागल हो गई है क्या? तू पुतला कैसे हो सकती भाई? ये पुतला है, लेके जाओ। रवि को बोल देना अगर चांद प्यारी हो तो मेरी मूर्ति लौटा दे और अपनी गर्लफ्रेंड को वापस ले जाओ। गिरी गिरी गिरी, कहाँ है तू? गिरी गिरी, हरीश भाई को मूर्ति के बारे में सब पता चल गया, चल यहाँ से निकलना होगा। नक्षत्रा कहाँ है? हैं? उसे सब पता चल गया, वो आया था नक्षत्रा को ले गया। क्या? वो क्यों ले गया उसे? ए, वो बोली मैं मूर्ति हूँ, मैंने कहा हाँ यही मूर्ति है, लेके जाओ, हरीश भाई का भी मैटर खत्म, फुल हैप्पी। तेरी तो इतने साल की दोस्ती एक मिनट में खत्म कर दिया, वो भी एक लड़की के लिए। शर्मानी चाहिए तुझे, लानत है तुझ पर। वो लड़की मासूम है, वो हरीश भाई कितना शातिर है तू जानता है ना, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो मूर्ति की प्रॉब्लम हमारी है, नक्षत्रा को उसमें फंसाना गलत है। ए भाई भाई, तू उसके पास गया तो तुझे मार डालेगा। मेरी जान भी गई तो परवाह नहीं, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सुपर शॉट, सुपर शॉट। हाँ भाई, प्रभास का फाइट जबरदस्त है। ये शॉट कैसा रहा? यहाँ मेरे पिछोड़े में आग लगी और तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो? क्यों हंस रही हो तुम? अभी रवि आके तुम लोगों को उसकी तरह ही मारेगा, तुझे भी नहीं छोड़ेगा।
तुझे 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 सबको मारेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। आने दो, उसकी खाल निकाल कर मेरी प्यारी बीवी के लिए मैं सैंडल बनाऊंगा। देखो आ गया वो। भाई भाई मूर्ति कहाँ गई मुझे सच में नहीं पता, मेरा यकीन करो भाई मैं सच कह रहा हूँ। यह देखो भाई, ये हीरो की तरह एंट्री करके आपका पैर पकड़ रहा है। रवि तुम इनसे डर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम इन्हें मार कर मुझे यहाँ से ले जाओगे। पागल हो क्या, कुछ भी बोलती हो, मैंने कब कहा मैं मारूंगा। मूर्ति किधर है? भाई मूर्ति रात में हमारे पास ही थी, सुबह उठा तो गायब हो गई थी, सिर्फ पैकिंग बची थी। मतलब मूर्ति ने खुद पैकिंग तोड़ दी और गायब हो गई? सच है। तुम अपना मुंह बंद करो कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। भाई अगर वो मूर्ति मुझे नहीं मिली ना भाई, तो इस लड़की की गर्दन काट दूंगा। भाई ऐसा मत करो, ये लड़की मासूम है, इसे कुछ नहीं पता। कितनी बार समझाऊं कि मूर्ति मेरे पास नहीं है। इनसे बात क्यों कर रहे हो, मारो इन्हें। चलो 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 चलो। ए सुल्तान, पकड़ो उन्हें, जाने मत दो। अरे भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, पहले लड़की को बचाओ। चलो बैठ बैठ बैठ। मुझे लगा नहीं, इसलिए सॉरी। ये किस लिए? क्योंकि तुम्हें ये सब करना पड़ा। जिसको जिंदगी से प्यार नहीं है वो सामने आए। सुन लो सब लोग, एक एक को काट के रख दूंगा, एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो एक एक की गर्दन काट के धड़ से अलग कर दूंगा, फिर फेविकोल से भी नहीं जुड़ेगी। ए, तू जा। अबे बकरी जैसी दाढ़ी वाले, उसको क्यों भेज रहा है? तू आना, तेरी अतड़ियां निकाल कर ना कुत्तों को खिलाऊंगा मैं। वो लोग तो भागे, ये ले पकड़, इससे दाढ़ी बजा लेना। बाय बाय टाटा। कितनी दूर आ गया मैं? मेरे से ज्यादा फास्ट दुनिया में कोई नहीं भाग सकता। गिरी कभी नहीं थकता, तिलक दिन था गिरी, सप्तगिरी। बच गए, थैंक गॉड, बहुत बड़े खतरे से बाहर आ गए। गॉड को नहीं, टेंशन को थैंक्स बोलो। क्या, टेंशन को थैंक्स बोलो? अभी तुम्हें रिलीफ मिल गया ना? हाँ। टेंशन सॉल्व हुई इसलिए। हाँ। तो टेंशन को थैंक्स बोलो, बोलो। इससे बहस करने से अच्छा है टेंशन को थैंक्स बोल लेता हूँ। सुन भाई टेंशन, थैंक यू भाई, मिलते रहना। अब चलें? कहाँ जाएंगे? पता नहीं, पर यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। स्टॉप 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 स्टॉप, तो सब है रहा है क्या? लिफ्ट 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 लिफ्ट, सीधा ऊपर जाएगा। ये क्या है? तरबूज, अब उस पर हाथ रखो। अब तुम्हें देखकर जरूर लिफ्ट मिलेगी, ये देखो। आराम से बैठो। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? वो डॉक्टर ने वॉक करने के लिए कहा था ना, इसीलिए वॉकिंग कर रहे थे। इतनी दूर तक? कितनी दूर तक चलना है डॉक्टर ने बताया नहीं। हाउ मेनी मंथ्स? आई थिंक 3, 4, 5। 6 महीना 6 महीना 2 दिन, चला हटा। ही इज राइट सीनियर सर। हाउ कैन यू से सर? आप लोग कॉलेज में पढ़ाई करे खातिर आवेला कि झक मारे खातिर? डॉक्टर सिचुएशन देखकर समझ जाला, आज से तो हार पढ़ाई शुरू हो गई।
सब लोग रनिंग नोट लिखना शुरू करा। ओके सर। 100% प्रेग्नेंट है डॉक्टर? वो हम बताए, आप ही बताएंगे। बताइए। ठीक है। मिठाई खिया वा? मिठाई किस बात की? दावत कब देता रहा? हाँ? दावत? जुड़वा बा, जुड़वा। हाँ? ट्विंस हैं। थैंक यू, थैंक यू। ए, चला चला अपना जगह पर बैठा। दुन्नू तोरे जैसन पैदा होई, एकदम लाल। तरबूज कट किया तो लाल ही होता है ना? हेलो, एक्सक्यूज मी, ऑपरेशन? ऑपरेशन ना, नॉर्मल डिलीवरी हुई। बच्चा के पेट में 6 महीना हो गई, बच्चा लात नहीं मारा था। इट्स किकिंग। ओके। एक्चुअली आप लोग बैठल रहब तो बच्चा लात मारवे करे, अगर वॉकिंग करब तो बच्चा भी सूत जाए। गो अहेड। चलो चलो। साइड हटा प्लीज। थैंक यू डॉक्टर, यू आर रियली अ जीनियस डॉक्टर। थैंक यू सो मच। ये देखिए सर, लिखा लिखो ये डॉक्टर। अरे का भाई, ओ सिट, दिस इज अबॉर्शन। सच बता, सिफारिश से डॉक्टर बनाया ना? ना, हमारे बाबूजी 60 लाख रुपए डोनेशन दिए। 60 लाख अंदर घुस गए इसके बाप के। तुम्हें दिख नहीं रहा गधे, ये तरबूज है। एकरा मतलब वाटर मिलन? हाँ। ये कैसन हो सकेला? अरे बाप रे, अरे 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 मत मारा ले, अरे बाप रे। बाय एवरीबॉडी। बाय। ए, सबके लिए कटिंग मार। ये लो। ला भाई चला। ये लो। वो मिल नहीं रहा है, और अगर वो नहीं मिला ना तो भाई अपन लोग को टपका देगा, नरक पहुंचा देगा। ये ऊपर से हमको नरक दिखा रहा है। अगर वो मिल गया ना तो उसको वहीं पे सुला दूंगा। अरे तरबूज, ये तरबूज है। ये तरबूज नहीं है, पेट है। नहीं नहीं, ये तरबूज ही है। पेट बोला ना, देखो। सॉरी मैडम, एक चलो, सब तुम्हारी तरह तरबूज नहीं लगाते हैं। अब हम शहर से निकल गए, यहाँ से। ए, ए, वो देखो, पकड़ो इसे। ये तो हरीश के आदमी है, चलो चलो चलो। चिकने, तेरी वजह से हम लोग भूखे नंगे रोड पे भटक रहे हैं। आपके जाएगा कहाँ तू? मांग अच्छी है, उतारो। अरे भाई, वहां तो कोई लफड़ा चल रहा है। चलो देखते हैं।
तुम हो? ये मैं नहीं हूँ। लेकिन फोटो तो तुम्हारी है। मेरा यकीन करो, ये मैं नहीं हूँ। शायद इस गांव में तुम्हारी कोई हमशक्ल है। आज से तुम नंदू हो। हरीश भाई से बचना है तो इस गांव में रुकना ही पड़ेगा। जरा देखो, हाँ? नंदू का दबदबा। ए, हट्टी पसली तोड़ दो इनकी। अरे बेटी कहाँ थी, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। पूरा गांव तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो घर चलो। चलो गाड़ी। तुझे कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, हर शहर में। कहाँ थी बेटी? वो कहाँ थी वो आपको नहीं बता सका। साइड प्लीज। पुणे में नंदू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? मैं ही हूँ इसकी जान बचाने वाला। इसकी जान तो मैंने बचा ली, पर इसकी याददाश्त नहीं बचा पाया। क्या याददाश्त चली गई? ऐसा कैसा एक्सीडेंट हुआ है, कहीं जख्म का निशान तो है नहीं? ये जापू कौन है? लड़की को सेफ देखकर पूरा गांव खुश है, ये कह रहा है चोट नहीं लगी। कब कैसे बात करनी है पता नहीं, बेरहम लगा है। नहीं 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 माँ जी, इसकी बात का बुरा मत मानिए, ऐसी गलती होती रहती है। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी ना, तुम्हें सिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ यही रहूंगा। हा? बेटा हमारी नंदू बेटी की याददाश्त तो आ जाएगी ना। ये आप क्या कह रही है, ऐसे कैसे नहीं आएगी? गाँव का नाम बोला ना, कल किसी और का नाम बोलेगी, एक दिन उसे सब याद आ जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं हूँ ना, जब तक सब याद नहीं आता मैं यहीं जमकर आप सबके साथ इसी गाँव में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? क्या कहती है नक्षत्र? ये क्या बकवास कर रहे हो, इसका नाम तो नंदू है। मुझे इसका असली नाम पता नहीं, लेकिन इसे देखकर सितारे की याद आई, आसमान में चमकने वाला सितारा, इसीलिए नक्षत्र नाम रख दिया। समझ गया नक्षत्र। बेटी मैं तेरा बाप हूँ। बेटी अपनी माँ को भी भूल गई? नंदू मैं तेरी नानी हूँ। एक साथ इतने रिलेशन याद दिलाना मुश्किल है। इसके दिमाग पर जोर देने से इसकी दिमागी हालत और खराब हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। अब मेरी नवासी से और कोई सवाल नहीं करेगा। यस यू आर राइट। देखिए नानी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, सिर्फ 10 दिन के अंदर नंदू की पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी। मैं हूँ ना, यही रहूंगा, ठीक है ना? चलिए चलिए अंदर चलिए, चलिए चलिए घर चलिए। थैंक गॉड सहारा मिल गया। बेटा तुम सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव की खुशी को लेकर आए हो। नंदू सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं बल्कि इस पूरे गांव की बेटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आ गई होगी मेरी मूर्ति। भाई उनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड? उसका बैकग्राउंड क्या बकवास कर रहा है? हाँ भाई, उन लोगों ने हमारे आदमियों की बहुत धुलाई की। अरे दे, हम उसके दोस्त को पकड़ के ले आए। मुझे ऐसे क्यों उठा के लायो? उतार उसको। क्या बैकग्राउंड? क्या बैकग्राउंड है इसका? क्या बैकग्राउंड? नीचे उतार। तुमको उसका बैकग्राउंड जानना है? हट जाओ, साइड हट। उसका बैकग्राउंड सुनोगे तो तुम्हारी दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। ए खड़ा क्या है, चला दबा। ए वेट, मोटे तू पैर दबा। हाँ अच्छे से दबा। वाह अबे ठीक से दबा। मुझे डरा रहे हो तुम, ऐसा है कौन वो? उसका बैकग्राउंड सुनोगे तो तुम्हारा फोरग्राउंड गीला हो जाएगा। उसके पीछे छोटा शकील है। मोटापा क्या? तो फिर दाऊद है। वो अंडरग्राउंड है। तो फिर है कौन वो? मैं हूँ। डार्लिंग इट्स मी यार। क्यों रे चमचो? उसका बैकग्राउंड सुन के ढीले मत पड़ जाना। हट गए क्या?
तेरे जाने से हमारी सारी खुशियां चली गई थी, लेकिन तेरे आते ही सारी खुशियां वापस लौट आई। जानती है तू बेटा, जब तू नहीं थी तो ये घर काटने को दौड़ता था, तेरी यादों के सहारे ही जी रहे थे। बहुत दिनों के बाद जाकर तेरे पिताजी के चेहरे पे मुस्कान देख रही हूँ। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कल तक ये दुख के आंसू थे बेटा, अब ये दुख के नहीं खुशी के आंसू है बेटा। अब अपने बाबूजी को कभी नहीं रुलाओगी ना? नंदू से आपको इतना प्यार है क्या? नंदू से तो बहुत प्यार है बेटा, वो मेरा प्राण है, मतलब तुम मेरा प्राण हो। चंकी, तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी हो गई? हो गई, लक्ष्मी पैदा हुई। अरे वाह, नंदू जी को तो सब याद आ रहा है। भगवान तू सीक्रेट हो, तू सीक्रेट हो। ए रवि, चलो गांव घूमने चलते हैं। चलो। गांव कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली, नदी। अरे बेटिया, मेरे लिए शुगर की टैबलेट लाई क्या? अभी तक तुम्हारी शुगर कम नहीं हुई? इतने दिनों से तुम गांव में नहीं थी तो शुगर और बढ़ गई। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है बेटी। मिलते हैं। चलो ना रवि, पूरा गांव घूमना है। हाँ रवि, ये देखो इस तरफ मंदिर है। नंदू, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इतना प्यारा ये गांव, इतने प्यार करने वाले माँ बाप, इन सबको छोड़कर तुम पुणे क्यों आ गए? अपना नाम नक्षत्रा बताकर ये सब नाटक क्यों किया? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा रवि, मैं नंदू नहीं नक्षत्रा हूँ। नंदू अलग थी, उसे हर चीज महसूस होती थी, खुशियां, दुख, दर्द, आंसू वगैरह, हर चीज से वो वाकिफ थी। सबके लिए साल में एक बार दिवाली आती है, पर इस गांव में हर हफ्ते दिवाली आती थी। रविवार को इस गांव में खुशियां ही खुशियां होती थी। नंदू बेटे, दादा, लगता है मीठा खाना बंद कर दिया। नहीं बेटी, शुगर बढ़ रही है इसलिए मीठा खाना बंद कर दिया। डैडी। हाँ बेटी। ये क्या है? मीठा खाने का इंतजार नहीं कर सकती थी? अभी तो तू आ गया ना। इसका मतलब है गाड़ी की आवाज सुनकर ही शुरू कर दिया। जा रहे पकिया, क्या देख रहा है? जाने दो। बोलो। हम किसान अनाज पैदा करने के लिए ब्याज पर कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने में अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं होता। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पढ़ाई के पैसे भी नहीं है। पढ़ाई तो दूर की बात है, हमारे बच्चों का पेट भरने के लिए खाना भी नसीब नहीं होता। सैलाब आया, पूरी फसल बर्बाद करके चला गया। अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि वसूली भाई अपना पूरा ब्याज मांगने चले आए, और ना देने पर जमीन कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। तू चाहता क्या रे बुड्ढे, कि खटिया डाल के हमारे बॉस तरह पैर दबाए? एक साथ आपका सारा पैसा कैसे भर सकते हैं? इस साल तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है। फिर सैलाब नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? फसल नहीं हुई तो चुकाएंगे कैसे? बहुत जबान चल रही है। जब पैसे चाहिए थे तो मेरे पैरों पर गिरकर भीख मांग रहे थे, और अभी बहुत चौड़े हो रहे हैं उस सालों। तुम शांत रहो, सरकार बोल रही है कि किसानों का कर्जा माफ कर देगी। वो नेता लोग वोट के लिए कुछ भी बोलते हैं, और तुम लोग भी नोट के लिए उन्हीं को वोट देते हो। ये अपनी बेकार की बकवास बंद करो। कौन चुकाएगा? तुम चुकाओगे? अब साले खामोश क्यों हो गए? अगर सर में दर्द है तो अमृतांजल लगाने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन लगाता कोई नहीं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है।
आप सब लोगों को मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ। अगर 3 दिन में कर्जा नहीं चुकाया तो भूल जाना अपनी जमीन। साले अनपढ़ जाहिल हो, तभी तो यहाँ अंगूठा लगा दिए। लगता है ये राक्षस हमारा सब कुछ खा जाएगा। देखते हैं क्या होता है। हाय डूड, हाउ इज द गोवा ट्रिप? टू डेज फुल एंजॉय। मेरा तो वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था नंदू। हाय हाय। हे नंदू, यू मिस इट अ लॉट। हमने पूरा टूर फुल एंजॉय किया। क्या नंदू, तू हर वीकेंड में गांव चली जाती है, तू बोर नहीं होती है क्या? अपने गांव से बढ़कर दुनिया में कोई जगह नहीं है। गाइस, आप लोगों से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? आज अगर हम लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं, इसका कारण कौन है आप बता सकते हैं? माई मम्मी, यू नो, बहुत अच्छा खाना बनाती है। नो, हमारा रसोईया बहुत अच्छा खाना बनाता है। नो, आवर बॉस, ही इज पेइंग गुड सैलरी, दैट्स व्हाई वी आर ईटिंग गुड फूड। दैट्स इट। नो, किसान की वजह से ही आज हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। यस, ही इज राइट। किसान अगर मेहनत करके फसल ना उगाए तो हमें अनाज ना मिले। सच तो ये है गाइस कि हमारे पुरखे किसान ही हैं। नो नो, माय फादर इज अ डॉक्टर। हिज फादर? फार्मर। माय फादर इज अ लॉयर। माय ग्रैंडफादर इज लेक्चरर। व्हाट अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर? वन मिनट। हेलो डैडी, आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे? वो किसान थे बेटा, हमारी 100 एकड़ जमीन थी। अच्छा, सॉरी, ही वाज अ फार्मर। यस, यू आर राइट नंदू। अगर हम गहराई से इसे देखें तो हम सबके बाप दादा किसान ही थे। लेकिन अभी ये टॉपिक किस लिए नंदू? अगर हमें सैलरी ज्यादा मिले तो हम अपनी जॉब छोड़कर किसी भी देश जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसान बर्बाद भी हो जाए तब भी फसल बोता रहता है, अपना काम करता रहता है। अगर किसान फसल बोना बंद कर दे, अनाज उगाना बंद कर दे, तो हम लोग जंग से नहीं भूख से मर जाएंगे। वैसे भी आज किसान बहुत परेशान है। मेरे गांव के किसानों की फसल खराब हो गई है और साहूकार जल्लाद उन बेचारों की जमीन हड़पने की कोशिश में है। आज ये मेरे गांव में हो रहा है, कल तुम्हारे गांव में भी हो सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए नंदू? हम यंग जनरेशन है, हम चाहे तो किसानों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। समझा नहीं नंदू। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो कैसे? अगर आप लोग इन्हें एक काम करना चाहते हैं तो अपनी सेविंग में से थोड़े पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बट नो कंपल्शन। इट्स मी। थैंक यू वेरी मच। क्या राज, तू तो ज्यादा ही इमोशनल हो गया। नंदू की वजह से मुझे मेरे परदादा याद आ गए। हाँ, मुझे भी याद आ गए। मुझे इसमें मजा आया। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने परदादा की मदद की। थैंक यू वेरी मच। बाय। हेलो, मैं नंदू बोल रही हूँ। किसानों का टोटल कितना कर्जा बाकी है बोलो। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है, कार्ड स्वाइप करके देख, 20,000 नहीं पूरे 20 लाख हैं। अकाउंट नंबर बोलो। अकाउंट नंबर लिख। 14031003100277। नंदू, कलेक्शन तो 12 लाख ही हुआ है, बाकी पैसे तू कैसे चुकाएगी? 8 लाख मेरे अकाउंट में है, मैं दे दूंगी। भेज दिया है ब्याज के साथ। 20 लाख। मैं आ रही हूँ, किसानों के पेपर्स रेडी रखना। और नंदू खुशी खुशी अपने गांव जा रही थी ताकि किसानों को उनकी खुशियां वापस मिल सके।
तो क्या नंदू मर गई? हाँ ये बात तो सच है, लेकिन इसके बारे में उसके परिवार और गांव वालों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? हमारे लोक में आई है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। हाँ? वो देखो वहां पर है। सच में ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। नाम क्या है तुम्हारा? नंदू, इस तरह उदास क्यों बैठी हो? ये तो स्वर्ग है, यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यहाँ सब सुख और आनंद से रहते हैं। मेरा स्वर्ग तो नीचे था। कहाँ? किधर? मेरे गांव में। तुम्हारे गांव में? वहाँ ऐसा क्या है? माँ, पिताजी, काका और काकी सब लोग हैं वहाँ पर, पर तुम नहीं समझोगी, इसे महसूस किया जाता है। नक्षत्र, दरअसल मैं उस मूर्ति में थी, लेकिन तुमने मेरी बहुत तारीफ की, इसलिए मैं इंसान बन गई। लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, स्वर्ग की रानी पागल जैसा रवि, आज ही देखिए लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, लक्ष्मी गणपति फिल्म्स। वाह 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 वाह, क्या स्टोरी बनाई है। मैं सच कह रही हूँ रवि, मेरा यकीन करो। बकवास बंद करो। तुमने जब मुझे बताया कि नंदू की मौत हो गई है तो मुझे भी दुख हुआ, पर अब मैं समझ गया हूँ कि ये सब झूठी कहानी है। तुम्हारे लिए मैंने हरीश भाई से दुश्मनी मोल ली है। मेरे बचपन का दोस्त गिरी, उस पर मैंने तुम्हारे लिए हाथ उठाया। ये सब कहकर मैं कोई एहसान नहीं जताना चाहता, बस दुख तो इस बात का है कि तुम मुझे समझ नहीं पाई। मैं ही पागल हूँ। हाँ, हमारे बीच कोई रिश्ता थोड़ी ना था जो तुम मुझे सब कुछ सच बताओ की, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है नक्षत्र, मैं ही अनाड़ी बेवकूफ। अब हमारा साथ गुजारा नहीं, साथ गुजारा नहीं। मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। कभी जिंदगी में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें घर भगवान, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? जिंदगी भर छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागता रहा, पर सामने इतने कीमती हीरे को पहचान नहीं सका। लेकिन एक एंजल आकर मेरे साथ घूम रही है, मैं कैसे यकीन करता नक्षत्र? ठीक, सब मेरी गलती है, बस एक बार मुझे माफ कर दो नक्षत्र, प्लीज। बचपन से मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा। आज जब तुम मुझे छोड़कर गई हो तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हूं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा?
तुम मेरे जीने का सहारा हो। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं मैं बता नहीं सकता। I love you Nakshatra, I love you Nakshatra, I love you Nakshatra, I love you Nakshatra, I love you Nakshatra। वेंकट, लास्ट वीक एक धांसू जमीन देखा। एक कॉर्नर पर रोड और दूसरे पर पेड़। भाई क्या आप लोगों पीपल के पेड़ की जमीन के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, उस जमीन के बारे में सोचना भी मत। मेरी बात मानिए। क्या बक रहा है ये? जिस किसान की आपने जमीन हड़पी थी उसकी पत्नी पेड़ से लटक के सुसाइड कर लिए और अब वो चुड़ैल बन गई है। चुड़ैल? अरे क्या चूहे जैसी बातें करता है। अरे वो चुड़ैल है तो हम शैतान है। एक बार बुलाओ उस चुड़ैल को, उसको चौकड़ी में बिठा कर उसके हाथ की रेखा पर भी मैं कब जलाऊं उसको। ये लाइट कहाँ चली गई? लाइट चली गई। क्यों क्या हुआ? अरे बेको चुड़ैल आ गई। चुड़ैल भाई मैं निकलता हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया। मेरी हाथों की रेखाओं पर कब्जा करेगा, ले करना। और तुम लोग करोगे? अरे कहाँ गई? अरे कहाँ गई? पेपर मिल गए, चलो जल्दी। चलो, चलो। भाई हा? तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ है। अरे हा? मेरे जमीन का पेपर, अरे कोई ले ना गया हो। ये देखिए, अरे प्रॉमिस नोट किधर है? यही तो था। अरे मैं बर्बाद हो गया। आज से आपकी जमीन आपकी ही है। हमने वसूली का पूरा कर्जा चुका दिया है। बेटा तुम हमारे लिए फरिश्ते की तरह आए हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। नंदू ने तुझे पैसे दे दिए, ये तू भी जानता है और मैं भी। गांव वालों को पता चल गया तो जंगली सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। मैं ये पूछने के लिए नहीं आया। फिर इन लोगों के पेपर के साथ तुम बाजू वाले गांव के भी पेपर साथ में ले आए? हाँ। सॉरी ब्रो। सॉरी, मैं तुझे देख लूंगा। देख ले। अच्छा हुआ इस गांव की तकलीफ दूर हो गई। नंदू की इच्छा पूरी हो गई। ये गांव और यहाँ के लोग सब मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ उधर ही, उधर ही। संभाल कर, संभाल। Boy, James, where's my idol? James, वो स्टैचू मिला नहीं अभी। What? I'm going to kill you. Give me the money right now. मुझे थोड़ा वक्त दो, स्टैचू मिल जाएगा। उसका दोस्त मिल गया। Friend? हाँ। Which friend? अरे नहीं 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 नहीं, आज़ते आज़ते आज़ते। अरे भाई ये कौन है? लगता है कोहली की खान का ब्रांड एम्बेसडर है। Where's your friend? मंदिर का घंटा हो क्या? कोई भी बता देता है। देखो भाई, तुम मेरे गांव के हो, तुम मुझे मार सकते हो, तुम मेरे देश के हो, तुम मेरे राष्ट्र के हो, लेकिन ये कोयले की खान बाहर से कैसे मार दिया मुझे बताओ? मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपसे मार खा सकता हूँ? इस कोयले की खान से मैं, हाँ? ये ले, चल।
अगर मेरी खोपड़ी खसकी ना तो सारी बुलेट तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। ये क्या मार मार के तेरा काला रंग मेरे हाथ में लग गया, इतना कच्चा रंग है तुम्हारा। पागल हो गया तुझे इस कालिया से बचाओ या तुझसे इस कालिया को बचाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये पागल है जन, तुम निकल जाओ निकल जाओ। एक मिनट टिकट। ए उसके अंदर की बुलेट गायब है, चल कट ले। जाओ जाओ हरीश भाई, आई विल कम आफ्टर टू दिस अगेन। कालिया कट ले, चल। तू आज तू नहीं होता तो ये कालिया जेम्स मुझे टपका देता। भोजन देने वाले के लिए जान दे देना, ऐसा मेरे परदादा ने कहा। ए, आज से मैं तुझे अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊंगा, स्पेशल भोजन खिलाऊंगा। क्या खाएगा बोल? भेजा फ्राई, गुर्दा, कलेजी, पाया, सूप, चिकन बिरयानी, ये सब लेके आ जाना, गरम ले आना। ओके खाऊंगा। अरे रमेश जी, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। बेटी के घर गया था। ये सब तैयारी किस लिए अंकल? आज हमारी लाडली बेटी की सगाई है। लड़का बहुत अच्छा है और परिवार भी बहुत अच्छा है। क्या जी, हा? आप अभी तक यहीं खड़े हैं? दूल्हे वालों के आने का टाइम हो गया है। हा? नंदू तू चल, तुझे भी तैयार करना है। वो नहीं माँ, पर रवि। तेरा रवि कहीं नहीं जाएगा, शादी होने तक यहीं रहेगा। कहा बेटी, सर झुका के बैठल बाड़ू, लड़का पसंद नहीं खे का? बेटी, लड़का पसंद नहीं हो तो बोलो। एक बार सर उठा के तू देख तो सही। लड़का पसंद नहीं खेगा? पसंद है। बेटा, हा? मैं जानता हूँ मेरी बेटी तुम्हें पसंद है, इससे अच्छा रिश्ता मुझे कहाँ मिलेगा। हमारे अमर लोक राजा की प्रिय पुत्री की शादी भूलोक के तुच्छ मानों से नहीं हो सकती, कभी नहीं। गरुड़ा, गंधर्व राज को हमारा प्रणाम। गरुड़ा, हमारी पुत्री जो भूलोक में विहार के लिए गई थी, वो मानव लोगों की बातों से प्रभावित होके उनके प्यार को सच समझकर हमारे अमर लोक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। ये कंठावर्णम मेरी पुत्री के गले में डाल दो ताकि उसके मन से भूलोक का मोह निकल जाए और वो वापस अमर लोक आ जाए। करुणा, किसी भी प्रकार से तुम हमारी पुत्री को हमारे पास ले आओ। जो आ गया। को पता चला तो दौड़ा चला। ओ महामाता, आप दोनों का जल्द विवाह होने वाला है, मगर विवाह में बहुत संकट है। उनकी वजह से वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रह पाएगा। ये हार लड़की के गले में डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ये माला मैं अपनी पत्नी के गले में डाल दूं तो सब संकट दूर हो जाए? गीतु, कहाँ हो गीतु? गीतु, गीतु डार्लिंग। तेरे गले में माला डाला ना, अब तू बदल जाएगी, बेशरम है, शर्मीली बन जाएगी, अपने पति पर गर्व करेगी। हाँ, आज से ना तू हूँ करेगी ना हाँ करेगी, मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। अभी तक लोग कहते थे गीता का पति है चंद्रा, आज से कहेंगे चंद्रा की पत्नी है गीता। मैं बोलूंगा खड़ी होने के लिए तो खड़ी होगी, मैं बोलूंगा सोने के लिए तो सोएगी, मैं बोलूंगा जाने के लिए तो जाएगी। क्या समझी? क्या बाबा, आपने तो कहा था कि विवाहित जीवन अच्छा होगा, यहाँ तो धोबी घाट हो गया। मूर्ख कहीं के, ये माला जिसके लिए बनी है उसी पर असर करेगी। अगर कोई दूसरा पहनेगा
तो ऐसा ही होगा। रवि, हमारी शादी हो गई तो मैं पूरी तरह मानव कन्या बन जाऊंगी, फिर कभी मूर्ति नहीं बनूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक खास बात बताओ, आमतौर पर सिर्फ दामाद बाहर से आता है, लेकिन यहाँ तुम नंदू बनके और मैं दामाद बनकर दोनों बाहर से आए। क्या बात कर रहा है तू? वो नंदू नारायण मूर्ति की बेटी नहीं है? हाँ भाई। अबे ओ, नंदू नारायण मूर्ति की बेटी है, एकदम उसकी जैसी तो दिखती है। ए पागल, एक जैसे इंसान धरती पे साथ होते हैं। शाबाश। क्या खबर लाया है? अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। लगता है किसी की शादी है। आज मैं यहाँ किसी न किसी का जेवर उड़ाऊंगा, उसे गिर भी रखूंगा, फिर दारू पीकर फुल एंजॉय करूंगा। जाया लुकस खजाना ज्वेलर्स। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो पूरा शोरूम है। ये लोग शादी में आए हैं कि बीबियों के बॉडी गार्ड हैं? रिजर्व बैंक में भी इतने सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। नमस्ते स्वामी जी, आइए। आप? हम देवी के उपासक हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जैसे लोग हमारे घर के शादी में आए। नहीं होगी, और अगर शादी होगी तो कन्या विधवा हो जाएगी। स्वामी, आपकी पोती की कुंडली में राहु केतु फन फैलाकर डसने के लिए तैयार हैं। स्वामी, आग भगवान समान है, आप ही इसका कोई उपाय कीजिए। महाकाली अनुग्रहम, ये पुत्री के गले में डालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय सांभवी, जय सांभवी। ओल्ड लेडी विथ गोल्ड, नो सिक्योरिटी। ये तो चले जा रहे हैं, अब इसका पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। दादी जरा मेरा बच्चा पकड़ लो, मैं बाथरूम से होकर आती हूँ। हाँ, ला मेरे पास। जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आती हूँ। हाँ मेरी रानी बेटी, मेरे सोना, और मम्मी जल्दी आ जाएगी तो अपने दादी जल्दी आएगी। दादी दे दीजिए मुझे। हाँ ये ले। आजा आजा। थैंक्स दादी। रोना नहीं। अरे हार कहाँ गया? ए नारायण, क्या है, क्या हुआ? मेरी बेटी की शादी में बिना बुलाए तुम क्यों आए? तेरी बेटी? दरअसल में वो तेरी बेटी है ही नहीं। बात का यकीन नहीं है तो तू उसी के मुंह से सुन, वो सब कुछ बताएगा। बताओ सबको, जो लड़की शहर से आई है वो नंदू है क्या? तू नंदू है क्या? हाँ नंदू है। वो नंदू है? ए लड़की, तू नंदू है? अरे बोलना, बताओ सबको। मैं बताता हूं ये कौन है। ये तेरी बेटी नहीं है। और किसी की भी बेटी हो, मेरे बाप का क्या जाता? हम चैन जाएंगे। ये तेरी बेटी नहीं है, नहीं है। ये पूरे गांव की बेटी है। ये मेरा भाई है। भाई है? स्क्रू ढीला हो गया क्या? ये आपका भाई कैसे हो सकता है? चुप कर। इनविटेशन नहीं दिया तो रिलेशन खत्म हो गया। ये मेरा भाई है, छोटा भाई। ये हो क्या रहा है? अंकल, मैं ये शादी अपने हाथों से कराना चाहता हूँ, अपने हाथों से। प्लीज ना मत बोलिए, मुझे बहुत दुख होगा। आप कुछ मत सोचिए, मैं सारी तैयारी कर लूंगा, मेरे चमचे भी साथ में हैं। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि आप देखते रह जाएंगे। इतनी सी बात के लिए इतना हंगामा किया? अरे शादी तो धूमधाम से होनी ही चाहिए, नहीं तो शादी का मतलब क्या है? तभी तो मजा आएगा। ठीक है ठीक है, अभी इसकी हल्दी की रस्म का वक्त हो गया है। चलो चलो दूल्हे को लेकर जाओ। चलो चलो सब काम पे लग जाओ, जल्दी करो। तू रसोई का काम देख, और तू मंडप सजा, और तू घोड़ा लेके आ। अच्छा सुनो, सब काम पे लग जाओ जल्दी। ये क्या भाई, आपने तो सडनली पार्टी चेंज कर दी।
पार्टी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन शादी तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए, है ना? अरे घोड़ा इतनी जल्दी आ गया है? अरे मैंने क्या पूछा और वो क्या समझा, पहाड़ में जाए मेरे को क्या? ये चैन कहाँ भाग गए? स्वागतम 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 स्वागतम। वसूली राजा नहीं, ठरकी राजा है। इतने ध्यान से मेरी चेन पहन कर जा रहा है, अभी लूटता हूँ। कैसे लूटू? अरे बाप सर, इसको पता, आज मेरे भाई की शादी है और तू इतना लेट आ रहा है। थोड़ा सा चढ़ा लिया इसलिए लेट हो गया। जा यहाँ से, अपना काम देख। वही 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 काम पर हूँ सर, वही काम पर हूँ। अबे ओ बेवड़े, तू जानता है वो कौन है? मैं कौन हूँ तू जानता है? नहीं जानता। तो वो कौन है मैं नहीं जानता। तू मुझे फॉलो मत कर, मैं खुद ही अपने चेन के टेंशन में हूँ, पागल कहीं का। वो कैरेक्टर कब चेंज हो गया, ये कैरेक्टर कब एंटर हो गया, मेरा अपना कैरेक्टर क्या है? कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। हाँ लाया ला। गिरी तू कब आया? क्या बात है दूल्हे राजा? भाई मैं आपको फोन करने ही वाला था। स्टैचू कहाँ है? देखिए भाई, पहले शादी हो जाने दीजिए, फिर स्टैचू की बात करते हैं ना। आदमी क्या बात करेंगे अब? ए अंकल, उसका कॉलर छोड़। क्यों? लड़की की उम्र हो जाए वो गलत करे तो माँ की गलती है, और लड़के की उम्र हो जाए वो गलत करे तो बाप की गलती है, और भाई के कॉलर को किसी ने छुआ तो बड़े भाई की गलती है। उसका कॉलर छोड़ दो अंकल, मेरा कॉलर पकड़ो, मेरा। इसने मेरी मूर्ति गायब की और ऊपर से 3 करोड़ का लॉस करवाया। आज मेरा मैटर सॉल्व नहीं किया तो यही पट्टा कल। ये खिलौना किसको दिखा रहा है? इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे भी आता है। सॉरी मैगजीन भेजे बता दूंगा। ये गॉडज़िला कौन है, गधे की तरह चिल्ला रहा है, हो क्या रहा है ये सब? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ट्रेन के लिए इतने लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं? तुम लोग कितना भी झगड़ा करो, चेन मेरी है। ओके, तुम लोग रुक जाओ, चेन मेरी है। अरे अरे चेन किधर गए? अरे चेन इधर है, इधर है। अरे इधर है मेरी चेन, चेन मेरी है, झगड़ा मत करो। भाई 2 दिन के अंदर आपको स्टैचू ला के दे दूंगा। अरे रवि, ये मूर्ति वूर्ति सब बाद में, शादी पहले, बाद में बिजनेस। मुहूर्त पीटा जा रहा है, पहले शादी कर लो। ये शादी नहीं हो सकती। यार अब फिर क्यों आ गए ये? हकीकत में ये दुल्हन नंदू नहीं है, लगता है इसका भूत उतर गया। करेक्ट, बिल्कुल ये नंदू नहीं है, ये रवि की होने वाली दुल्हन, मतलब मिसेस रवि। लगता है भूत इन पे चढ़ गया। ये शादी कैसे होगी मैं देखता हूँ। क्या देखेगा तू, क्या देखेगा तू? मैं कौन हूँ मालूम? वसूली भाई लोकल। अबे तू लोकल है तो मैं इंटरनेशनल हूँ, माफिया हरीश भाई। ए रवि तू अंदर जा, मैं इसको संभालता हूँ। प्रॉब्लम क्या है रे? वो रवि ने मुझे धोखा दिया। अरे तेरी जात का, अरे तेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरा 3 करोड़ का स्टैचू गायब करके उसने मुझे उल्लू बना दिया। तो पागल हो गया है? अरे वो उधर आराम से शादी कर रहा है, तुम दोनों को मिलकर उसे मारना चाहिए। आपस में ही लड़ रहे हो, पागल की औलाद। चलो उसका खात्मा करेंगे। अरे ये कोई नया नाटक है तेरा? अरे
5 मिनट के अंदर ये जगह खाली करके चले जाओ। कैसे? अरे वो ट्रेन के बारे में पता है ना सुस्तवाड़ी, उससे जाओ। मालूम है। तो जाओ यहाँ से। अरे ये सिंगल ट्रैक है, इसमें दो लाइन नहीं चलेगी। चलो निकल ले। रुक जा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? मुंबई। मुंबई तो फिर मैं पुणे उतरूंगा। चलो कौन हो तुम? ट्रेन छूट गई है क्या? चढ़ते ही चला रहा है। ए, ए, अरे तेरी तो जाइए कपड़ा बदल के आइए। जी। गौरी पूजन का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। पंडित जी बुला रहे हैं, तुम जल्दी से साड़ी चेंज कर लो। जल्दी आना है बेटी, तुम सब चलो चलो। हम लोग यहाँ कैसे? आप भूलोक पर विहार करने आई थी, आपके पिता के आज्ञा के अनुसार आपको वापस ले जाने आया हूँ। चलिए मेरे साथ। नक्षत्रा। नक्षत्रा कहाँ जा रही हो तुम? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तुम पागल हो गई हो क्या? थोड़ी देर में हमारी शादी है और तुम पूछ रही हो कि तुम एक मामूली इंसान और गंधर्व की बेटी से शादी करोगे? ये शादी कभी नहीं होगी। जरूर होगी, जरूर होगी। हमारी शादी रोकना नामुमकिन है। मार रहे हो तो मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? प्यार करती हो तुम मुझसे, इसीलिए आंसू निकल आए। पाप से पैदा हुआ और स्वार्थ से बना हुआ, घमंड का पुतला और लड़ाई झगड़ा करने वाला तू एक अल्प मानव है, और तू गंधर्व की पुत्री से प्यार करेगा? प्यार में इंसान और भगवान में कोई भेद नहीं होता। ये लोग हो या कोई भी लोग हो, प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। Oh,
कितनी ताकत है तेरे प्यार में। प्यार किया तो ताकत अपने आप आ जाती है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ। मर भी गया तो ऊपर मुझे नक्षत्र मिल जाएगी। तो मर। बेटी है। सब बाद में, शादी पहले, बाद में बिजनेस। रवि, रुक जाओ। गरुड़ा नक्षत्रा, मैं इससे प्यार करती हूँ और अपनी जिंदगी इसी के साथ गुजारूंगी। नक्षत्रा, नक्षत्रा, स्वर्ग का सुख छोड़कर इससे विवाह भूलोक में? स्वर्ग वहाँ नहीं है, स्वर्ग यहाँ है। यहाँ के प्यार में ही स्वर्ग है। यहाँ के मानव में जज्बात है, रिश्ते हैं, प्यार है, दोस्ती है। यहाँ सब संतोष से रहते हैं। भगवान ने असल में स्वर्ग मानव की धरती पर ही बनाया है। यहाँ कष्ट में ही संतोष है, दुख में ही आनंद है, और यही सच्चा स्वर्ग है। नक्षत्रा, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, सदा सुहागन रहो। स्वामी, हमारी पुत्री के जीवन का अंत यही है क्या? नहीं देवी, नक्षत्र पूरी तरह से मानव कन्या हो गई है, और एक बार मानव कन्या होने के बाद उसकी आयु भी तय है और मृत्यु भी तय है। आयु पूर्ण होने के बाद वो वापस आ जाएगी, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी।